तीन सिर वाला राक्षस। एक बार की बात है, कहीं दूर एक राज्य में एट्रिक नाम का एक राजकुमार रहता था। उसके पास कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा था, जिसकी मदद से वो आत्मा, परियों और जादुई प्राणियों को देख सकता था। वो बल्कि जानवरों से भी बातें कर सकता था। राजा और रानी अक्सर उसे ऐसे ही हवा में किसी ना किसी से बातें करते देखते तो देखकर घबरा जाते। राजा चाहता था और उसने काफी कोशिशें भी की कि उसका बेटा एक महान योद्धा बन जाए, पर राजकुमार ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एड्रिक, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो नीचे सिपाहियों के साथ ट्रेनिंग कर लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। नहीं पिताजी, आपको तो पता है मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों को पश्चिमी खाड़ी में ट्रेनिंग देने का फैसला किया। फिर सिपाही जल्द ही खाड़ी के लिए निकल गए और कुछ ही समय में वहाँ पहुँच गए। राजा सिपाहियों को ट्रेनिंग करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक राजा को लगा कि पेड़ के पीछे से कोई अजीब सा राक्षस उन्हें देख रहा है। वो क्या है? क्या हुआ महाराज? मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ। इससे पहले सेनापति राजा से कुछ बोल पाता, राजा जंगल के अंदर भाग गया। राजा उस अजीब से राक्षस को ढूंढने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गया। तभी उसने अपने सामने एक विशाल राक्षस को देखा, जिसके तीन बहुत ही भयानक सिर थे। मैंने कई विशाल राज्यों को जीता है, तो फिर मेरे सामने तुम क्या चीज हो? महाराज! सेनापति जल्द ही अपने सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ भागा। उन्होंने हर तरफ राजा को ढूंढा, पर उन्हें राजा कहीं नहीं मिला। जब वो राजमहल वापस लौटे तो ये खबर सुनकर रानी बहुत दुखी हुई और राजकुमार हैरान थे। पूरा राज्य इस बात से दुखी था, पर राज्य को संभालने के लिए कोई ना कोई राजा तो चाहिए था, इसलिए एट्रिक को नया राजा बनाया गया। पर जैसे जैसे दिन बीते, एड्रिक सोचने लगा, कैसे कोई नहीं जानता मेरे पिताजी अचानक कहां गायब हो गए? मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। सेनापति, मैं पश्चिमी खाड़ी की तरफ जाना चाहता हूं। क्या? पर क्यों? ये जानने के लिए कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था, और अपने साथ कुछ सिपाहियों को सुरक्षा के लिए साथ ले चलो। सब लोग हैरान थे, पर इसके साथ ही शांत एड्रिक अपनी सेना का नेतृत्व करता हुआ पश्चिमी खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही वो वहां पहुंच गए और उन्होंने रहने का इंतजाम किया। एड्रिक पूरा दिन इधर उधर घूमता रहा कि शायद उसे कुछ मिल जाए, पर रात होते होते वो निराश हो गया। मुझे लग रहा है आज रात भी हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। हा? तभी उसे भी राक्षस का सिर दिखा और देखते ही राक्षस गायब हो गया और एड्रिक भी अपने पिता की तरह उस राक्षस के पीछे भागा, पर तभी राक्षस गायब हो गया। अरे वो कहाँ गया? हे भगवान, एक और शिकार? हम इसकी मदद कर सकते हैं, पर ये सुनेगा कैसे? मैं तुम्हारी आवाज अच्छे से सुन सकता हूँ। ओह, पर कैसे? एट्रिक ने उन्हें अपने खास तोहफे के बारे में बताया, जिससे वो परियों से बातें कर सकता था। तुम कुछ कह रही थी कि मेरी मदद करोगी? परियों ने एट्रिक को बताया कि राक्षस वाकई बहुत ताकतवर जिन है, अगर उसे हराना है तो एट्रिक को उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। लो ये बोतल रख लो, इससे तुम्हें उसे पकड़ने में आसानी होगी, पर तुम्हें ये काम उसके राक्षस से जिन बनने के बाद करना होगा। एड्रिक परियों का शुक्रिया अदा कर राक्षस को ढूंढने निकल गया। जल्द ही उसे वो राक्षस मिल गया। राक्षस ने पूरी ताकत से एड्रिक पर हमला किया, पर एड्रिक उसके हमले से बच गया। जिन अपनी ताकत का इस्तेमाल राक्षस के रूप में नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो जल्द ही जिन के रूप में आ गया। ओ इंसान के बच्चे, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मौका मिलते ही एड्रिक ने बोतल निकालकर जिन की तरफ फेंक दी। राजकुमार ने जिन को उस जादुई बोतल में कैद कर लिया।
मुझे बाहर निकालो। मुझे बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, या फिर तुम जिंदगी भर इस बोतल में सड़ना चाहते हो। पर जिन बताने को तैयार ना हुआ तो एट्रिक ने बोतल अपने साथ लाकर महल के कमरे में रख दी। एक दिन एट्रिक जब अपने कमरे में नहीं था तो एक नौकरानी उसके कमरे में आई, जिन इस मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। ओ दयावान लड़की। कौन है वहाँ? तुम्हारा राज्य शापित है। तुम्हारा राजा अचानक एक दिन गायब हो गया। तुम्हारे नए राजा को युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन वो अपनी सेना को लेकर पहाड़ी पर जाता है, क्योंकि वो किसी के वश में है। क्या तुम्हें अब भी भरोसा नहीं? तुम्हारा राज्य शापित है। नौकरानी ये अजीब आवाज सुनकर बहुत डर गई और कमरे से बाहर भाग गई। जल्द ही अफवाहें उड़ने लगी और पूरा राज्य एड्रिक को शक भरी नजरों से देखने लगा। एड्रिक इन सब बातों से बेखबर था, पर रानी को सब समझ आ चुका था। अगर वो सच में शापित हुआ तो? शायद अब हमें नए राजा की जरूरत है। अरे ये क्या, एड्रिक अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। रानी ने बीमारी का बहाना बनाकर एड्रिक को वापस बुलाया। माँ, आपको क्या हुआ? बेटा, मुझे एक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से कमजोरी लग रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उत्तरी दिशा के जंगल में जाओ। वहाँ मैंने सुना है एक आत्मा रहती है जो जादुई जड़ी बूटियाँ उगाती है, और सिर्फ तुम आत्माएं देख सकते हो। जाओगे ना? एट्रिक अपनी माँ को अकेले छोड़कर जाने के लिए दुखी था, पर उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए वो जंगल के लिए निकल गया। और जल्द ही वो जंगल पहुंच गया, जहां उसने आत्मा को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते वक्त उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बहुत दर्द हो रहा है। एड्रिक आवाज सुनकर आगे बढ़ा और उसे एक शेरनी जख्मी दिखाई दी। लो, एक और परेशानी। मैं यहाँ परेशान करने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी तो चला आया। तुम मुझे सुन सकते हो क्या? उसने शेरनी के घाव को देखते देखते उसे अपने बारे में भी बताया। तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं कुछ मदद कर दूं? उसने एड्रिक को शक भरी नजरों से देखा, पर एड्रिक ने बड़े प्यार से उसका इलाज किया। शुक्रिया एड्रिक, तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो, पर ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसा? ये एट्रिक ने उसे बताया कि जिन ने उसके पिता को अगवा किया और अब जिन उसकी कैद में है। शेरनी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने किया? इस जिन को मैं कब से ढूंढ रही हूँ। पता है, मैं रूबी राज्य की राजकुमारी रोजाबेले की शेरनी हूँ। एक दिन हमने एक पुरानी किताब खोली, उसमें से जिन निकल आया। शेरनी ने एड्रिक को बताया कि सिर्फ राजकुमारी ही जिन को पकड़कर उस पुरानी किताब में रख सकती है, पर वो कुछ करती इससे पहले जिन ने राजकुमारी को एक जादुई किले में बंद कर दिया। और तब से मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। हमें उसे पकड़ना होगा। एड्रिक शेरनी की पीठ पर बैठकर अपने राज्य वापस लौट आया। उसने चुपके से महल में घुसकर बोतल को लिया जिसमें जिन था, और फिर दोनों वहां से निकल गए। शेरनी एड्रिक को जादुई किले में ले गई, जहां राजकुमारी को कैद किया गया था। राजकुमारी, फिक्र मत करो, हम उन्हें बचाकर ही रहेंगे। उन्होंने किले के भारी दरवाजे को खोला और अंदर गए तो देखा कमरे में भयंकर आग की लपटें हैं। हम इसे पार नहीं कर सकते। नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हे पानी की आत्माओं, हमारी मदद करो। एट्रिक के इतना कहते ही तीन ताकतवर पानी की आत्माएं वहां प्रकट हुई। उन्होंने अपने जादू से आग बुझा दी और एट्रिक और शेरनी दूसरे कमरे की ओर चले गए। ओहो। दो कदम आगे बढ़ने पर उन्हें गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें कई भूखे शेर थे, जिन्हें इंतजार था कि कोई गड्ढे में गिरे और वो उन्हें अपना शिकार बना ले। हे हवाई आत्माओं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इतना कहते ही कुछ प्यारी हवाई आत्माएं वहां आई और उन्होंने शेरनी और एट्रिक को गड्ढा पार करवाया। शुक्र है हम बच गए। अब काश राजकुमारी इस कमरे में हमें मिल जाए। उन्होंने
ने जब तीसरा दरवाजा खोला तो राजकुमारी रोजाबेला को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमारी टिगी! वाह, तुम उसे इस नाम से बुलाती हो? सिर्फ राजकुमारी ही मुझे इस नाम से बुलाएंगी। टिगी, ये कौन है बताओगी? ये है राजा एड्रिक और इनके पास वही जिन है राजकुमारी। शेरनी ने राजकुमारी को सब बताया, जिसे सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। कमाल है, चलो फिर जल्दी यहाँ से निकले और अपने राज्य वापस चले। वो तीनों वहाँ से राजकुमारी के महल के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने वो जादुई किताब ढूंढी जिसमें जिन रहता था। फिर एड्रिक ने भी जादुई बोतल निकाली। ओ, मैं कहाँ हूँ? हे दुष्ट जिन, मैं रूबी राज्य की राजकुमारी तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम वापस अपनी किताब में लौट जाओ और हमेशा के लिए वहीं रहो। नहीं! राजकुमारी ने जिन को किताब में कैद किया और किताब बंद करते ही एड्रिक के पिता उनके सामने आ गए। पिताजी! एड्रिक, बेटा एड्रिक, जिन ने मुझे किसी अंधेरी गुफा में कैद कर रखा था। राजकुमारी और शेरनी ये देखकर बहुत खुश हुए। जल्द ही एड्रिक और राजा अपने राज्य वापस लौट आए। रानी राजा को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश हुई। एड्रिक ने अपनी माँ से उन्हें अकेला छोड़कर जाने के लिए माफी मांगी। ओह, मैं बीमार नहीं थी, बस मुझे डर था कि ये राज्य तुम्हारे लिए खतरनाक ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर भेज दिया था। राजा के लौटने पर सभी हैरान थे। देखो, हमारे असली राजा लौट आए और उनका बेटा एड्रिक भी। अब इसका क्या मतलब है? राजा ने अपने राज्य के लोगों को सच बताया कि उनके साथ क्या हुआ था और उनके मन से डर को दूर किया। मेरे बेटे एड्रिक पर शक मत करो, क्योंकि इसी ने मेरी जान बचाई है और ये सब राजकुमारी रोजाबेला की वजह से हुआ। सब लोगों ने इस बात की बहुत खुशी मनाई और वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। एड्रिक और रोजाबेल में अच्छी दोस्ती हो गई और वो पूरा दिन टीकी के साथ खेलते रहते। अरे, सिर्फ राजकुमारी ही मुझे इस नाम से बुला सकती है। माफ करना।